हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मज्जा मा छो? दोस्तों, अक्षय कुमार बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज देने के बाद, जैसे कि सेल्फी, रक्षाबंधन देने के बाद, फाइनली लग रहा है कि अपना कमबैक करने वाले, दबागा करने वाले भाई। और वैसे भी अपने अक्षय भाई तो साल में चार दफ़ा कमबैक करते हैं, चार मूवी तो पक्की होती है अपने अक्षय भाई की। तो ओ माई गॉड 2 के साथ कमबैक करने वाले, और ओ माई गॉड 1 की जो हमारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है ना भाई, बता नहीं सकते। वो मूवी जो है ना, जितनी बार भी लग जाए ना टीवी पे या कहीं पे, बंदा रुक के देखता ज़रूर है। कांचीलाल का जो रोल किया था ना अपने परेश रावल ने, आउटस्टैंडिंग। और इसके मेकर्स को हैट्स ऑफ, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर मूवी बनाना और ऐसे मुद्दों पर बात उठाना माइंड ब्लोइंग है भाई, लिटरली। जैसे कि हिंदू लोग जो है वो दूध को ज़ाया करते हैं, उस सब्जेक्ट पर बात उठाना। मुसलमान जो हैं वो चादरें चढ़ाते हैं, उस पर बात उठाना कि भाई इससे ज़्यादा सवाब आपको तब मिलेगा जब आप किसी नंगे फ़कीर के बदन पर चादर डालो। इसके अलावा कैंडल वाली बात उठाई थी, जो चर्च में लोग कैंडल जलाते हैं, उससे ये बात उठाई थी कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी गरीब के घर में जो है वो कैंडल जलाओ, ताकि उसके घर में उजाला हो। ऐसे टॉपिक्स पर बात उठाना भाई आसान नहीं है। मास्टरपीस मूवी थी ओ माई गॉड, और अब इसका पार्ट 2 आ रहा है, उसका ट्रेलर टीज़र आ गया है। और इसमें हमें देखने को मिलेंगे परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी। भाई पंकज त्रिपाठी जो है ना, जाने माने एक्टर्स में जो है आते हैं, और अब यह बंदा जो है ना धमाल कमाल करने वाला है इस ओ माई गॉड 2 मूवी में। भाई भगवान जो है अपने मानने वालों को और ना मानने वालों दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखते, यानी भगवान खुदा सबके होते हैं। और इसमें जो है ना पंकज त्रिपाठी भगवान को फॉलो करने वाले इंसान होते हैं, वो मदद मांगते हैं। और अक्षय कुमार जो गॉड का रोल प्ले कर रहे हैं, वो जो है आते हैं उनकी मदद करने के लिए। अक्षय कुमार के बारे में भाई मैं एक बात बताऊं कि उस बंदे की जो बॉडी दिखाई ना भाई, वो बंदा यार अपनी फिटनेस पे जो फोकस करता है ना, डिसिप्लिन यार, टॉप पे पहुंचना तो आसान है। कोई भी जो है ना मेहनत करके टॉप तक पहुंच सकता है, लेकिन टॉप पर पहुंचकर मेंटेन करना, उस पोजीशन पर रहना, डिसिप्लिन रहना, क्या ज़रूरत है शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को भाई इस पोजीशन पे आकर इतनी मेहनत करने की, फिल्में करने की। भाई वो चाहते हैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और मेहनत कंटिन्यूसली करना चाहते हैं। आप मेसी और रोनाल्डो की मिसाल ले लो यार, वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि लेजेंड्स में उनका नाम आता है, हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है उनके पास, लेकिन अभी भी अपनी फिटनेस को मेंटेन किया हुआ है, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन की है, इसीलिए वो टॉप पर अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं। टॉप पर अपने आप को मेंटेन करके रखना ये बहुत बड़ी बात है, और अक्षय कुमार जो है ना उसमें ये क्वालिटी है बंदे में। भाई सुबह 4 बजे उठता है, डिसिप्लिन लाइफ रखता है, एक्सरसाइज करता है, जो हर बंदे का काम नहीं है। हैट्स ऑफ है यार अक्षय कुमार को। और भाई अक्षय कुमार जो है वो एज अ गॉड जो है दोबारा ओ माई गॉड 2 में प्ले करेंगे, और ये मूवी भी जो है ना भाई मुझे लग रहा है एक मास्टरपीस होने वाली है। भाई जरा सा डर ये है कि यार जिस तरह के पार्ट 1 में रिस्क और सब्जेक्ट उठाए थे ना, इस मूवी में जो है इनको क्या ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे कि भाई जिससे ये मूवी को जो है उसके करीब करीब लेके जाएं, जो कि बहुत मुश्किल बात है। लोग ट्रेलर को देख के लग रहा है भाई मज़ा आएगा इस मूवी में। मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जो अक्षय कुमार का डायलॉग आता है बीच में कि भाई रख विश्वास क्योंकि तू है शिव का दास, उससे लग रहा है कि भाई बहुत कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो बंदे के ईमान को टेस्ट करेगी कि भाई जो ऊपर वाले पर भरोसा रखता है और ऊपर वाला कैसे उसकी मदद करता है। तो भाई इस मूवी को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि ये मूवी जो है ना इसकी इमोशनल अटैचमेंट है। और अगर ये मूवी भी अच्छी निकल के आई ना, तो ये बहुत अच्छी होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। और कास्ट जो है वो माइंड ब्लोइंग उठाइए, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार के साथ साथ यामी गौतम भी जो है इसमें देखने को मिलेंगी। तो भाई ये मूवी धमाका करेगी मेरे हिसाब से, आप लिख लो। अगर आपने इसका टीजर नहीं देखा तो फटाफट जाके देख डालो, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार, क्योंकि मोहब्बत 2 वे होती है, समझ तो गए होगे। मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। और वीडियो को लाइक ठोकते हुए जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।